क्या बात है, ऐसे ही हंसते रहना बाबा, ठीक है, थैंक यू बाबा। तो हेलो फ्रेंड्स, हम इस समय फरीदाबाद में मौजूद हैं, सेक्टर 37 में हुडा मार्केट के बाहर ये बाबा बैठते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके बोला कि गौरव भाई इनके पास भी जरूर जाइएगा। तो भाई मैं आ चुका हूँ बाबा के पास, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार बाबा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? छेंगामल। छेंगामल, कितना उम्र है आपका भैया? 80 और 6। 80 और 6, मतलब 86 साल के आप। बाबा कितनी कमाई करते हो रोजाना? मेरे पति ने सिवा इसके। क्या बात है, तो ये कह रहे हैं कि जो मेरे पास सिर्फ ये कार्ड ही है जो मेरी रोजी रोटी है और मैं इसी से कमाई करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा सपोर्ट मैं आपको बताऊं क्या है, सबसे बड़ा सपोर्ट है कि ये जो सामान बेचते हैं ना इतने सालों से, आप इसको आके खरीदिए, आप इसको प्रमोट कीजिए, आप इनके खाने को प्रमोट कीजिए। प्लीज आप किसी भी सिंपैथी से किसी के पास मत जाइए। कोरोना काल में बहुत मुश्किल हुआ आपको? कोरोना में हुआ मुझे क्या भैया, सबको हुआ। देखिए गाइस, इसी तरीके से आप आ सकते हैं, इनको सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ मत करो यार, पैसे की जरूरत इनको नहीं है, इनको जरूरत है ये जो बना रहे हैं ना इतनी मेहनत से इसको बेचने की। 365 दिन ये काम करते हैं बाबा आप। हाँ। तो गाइस देखिए, हमेशा इनको हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं चाहिए होता, इनको हमारे और भी बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आपको इनको असली सपोर्ट करना है तो आप यहाँ पे आके फिजिकली इनकी मदद करिए। बाबा आपकी मदद हो गई है ना अभी? हाँ। और आपको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं है। देखो मतलब ये चीज सीखने वाली है जी, इनको अभी और फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए। बाबा हाँ। ये मेरी तरफ से कुछ मास्क रखिए और मास्क लगा के रखिए। हाँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा कोरोना का टाइम है। और ये सैनिटाइजर रखिए यहाँ पे अपनी कार्ड के ऊपर, ताकि लोग आए और अपने हाथ सैनिटाइज करें और आप भी टाइम द टाइम सैनिटाइज करते रहिए। हाँ। बाबा आप इसको क्या बोलते हो, मुरमुरे की चाट? भेलपुरी। बाबा ये इसमें आपने क्या क्या डाला है? मिर्चा है, प्याज है, मिर्ची है, प्याज है। हाँ। शिमला मिर्ची भी डाला है आपने इसमें? हाँ जी, दोनों। ठीक है, अभी इसमें मुरमुरे डालोगे? हाँ, चने भी डालूंगा। चने भी, क्या बात है। ठीक है जी, कितने का एक प्लेट बेचते हो? 10 रुपए। अच्छा, 10 रुपए का बेचते हो। कितने साल से ये काम कर रहे हैं भैया? कुछ नहीं, निकालो ज्यादा मर रखो, कम से कम 25-26-27 साल से कर रहे हैं। 27 साल से यही पे यही सामान बेच रहे हैं? ये लाल मिर्ची है, क्या बात है। नींबू भी डालेंगे? डाल दिया। हाँ जी, और डाल दो। देखो इतना अच्छा आप बनाते हो, इतनी मेहनत करते हो, तो उसकी ये मेहनत की कमाई चाहिए ना बाबा? मेहनत की कमाई बस, क्योंकि ये कहते हैं कि जो मुझे चाहिए था आप लोगों की बदौलत मुझे मिल चुका है। और ये सब आप लोगों की मेहरबानी है यार। इसी तरीके से आप ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सपोर्ट करते रहिए। और हमें इनको सिंपैथी नहीं देनी है, हमें इनके खाने को प्रमोट करना है और वो आप तक पहुंचाना है। और अगर आप इनकी असल हेल्प करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इनकी कार्ट पे आइए और इनका खाना खाइए। तो भाई प्लीज़ आओ, प्लीज़ इनको सपोर्ट करो। और अगर आपने स्वाद ऑफिशियल को अभी तक फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाके फॉलो करो।